हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आईएमपी ज्ञान चैनल पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम जॉब से रिलेटेड बात करने वाले हैं और जॉब के अंदर क्या काम करते हैं उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। और हमारे वीडियो के कमेंट में किसी ने पूछा है कि सीआरओ का काम क्या होता है, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर का आईआईएफएल संस्था के अंदर क्या काम होता है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप इस जानकारी चाहते हो तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक, और आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में मेरे को पूछ लेना, ठीक है। तो गाइज, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों के कुछ कमेंट आए हैं जिनका रिप्लाई दे देता हूं, और मैं आपको उनके सवाल का जवाब दे देता हूं कि आपने जो सवाल मेरे से पूछे हैं तो इनका मैं आपको क्या सॉल्यूशन दे सकता हूं, वो मैं आपको दे रहा हूं। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आकाश कुमार ने भेजा है, दौलतगंज पलामू के लिए कोई वैकेंसी हो तो बताइए, मतलब उस लोकेशन की पूछ रहे हैं, इस लोकेशन में कोई वैकेंसी है तो बताइए, ठीक है। इसके बाद एक भाई बोल रहा है, नरसिंहराम जी करके है, नरसिंहराम लोटा करके, जो कमेंट में पूछ रहे हैं कि आई एम ए ग्रेजुएट पर्सन, क्या मुझे जॉब मिल सकती है आईएफएल संस्था में। जी हाँ, आपको बिल्कुल आईएफएल संस्था में जॉब मिल सकती है। आपके डॉक्यूमेंट की जीरोक्स बनाइए, एक रिज्यूम बनाइए, और जैसे ही आपके यहाँ आसपास ऑफिस में ट्राई करिए, आपके आसपास जहाँ पर भी आईएफएल संस्था का ऑफिस है वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर आपका रिज्यूम दीजिए। जैसे ही कोई वैकेंसी निकलती है, कोई इंटरव्यू निकलता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि हाँ आपका इस तारीख को इंटरव्यू है, आपको आना है। उसके बाद मैं और भी कमेंट बता देता हूँ। एक भाई बोल रहा है वेल्डन, ठीक है। और एक भाई बोल रहा है, सरोज कुमार जी बोल रहे हैं, सर कस्टमर का एलडी कैसे करते हैं और क्या सब डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। तो इन सारे सवालों के जवाब भी मैं अलग अलग वीडियो में देता रहूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर सारे सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। आप भी जानते हैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक भाई ने तो बहुत ही लिख दिया है, बड़ा महाचुतियापन है भाई, ना खाने का टाइम है और ना सोने का टाइम है, ठीक है। भाई ने जो बात बोली है वो सही है, हम मानते हैं कहीं ना कहीं ये बात उनकी सही है। 100 में से 60% 50% ये बात बिल्कुल सही है कि माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर ज्वाइनिंग के टाइम पर कुछ दिखाया जाता है, और ज्वाइनिंग होने के बाद उसके अंदर क्या होता है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको कैसा रखा जाएगा और ज्वाइनिंग के बाद आपको कैसे रखा जाएगा, आपके साथ मतलब आपको क्या काम करना रहता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो न्यू ज्वाइनिंग का भी पूछा है किसी ने, तो अभी फ़िलहाल में मैं आपको केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ कि सीआरओ का क्या काम रहता है, मतलब आईएफएल संस्था में माइक्रो फाइनेंस में। आईएफएल संस्था दो है, गोल्ड लोन वाली है और एक ये वाली है। तो मैं अभी माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। माइक्रो फाइनेंस के अंदर सीआरओ नाम से एक पोस्ट होती है जिसका मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर, और उसका माइक्रो संस्था में क्या काम रहता है, क्या काम करता है वो, ठीक है। तो गाइस, मैं एक कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर की सुबह से लेकर शाम तक की पूरी स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ, ठीक है। और पूरे सप्ते की भी बता दूंगा कि पूरे सप्ते में क्या काम होता है और पूरे 15 दिन में क्या काम होता है। वैसे आईएफएल संस्था का जो कलेक्शन का दिन रहता है वो 15 दिन का रहता है, और जहाँ पर भी आपके आसपास सेंटर वगैरह चल रहे हैं तो उन लेडीज़ से आप अच्छी तरीके से जानकारी ले सकते हो, लेडीज़ से पूछ सकते हो कि आपका संस्था से लोन चल रहा है तो इसका कैसे क्या है। बाकी मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि एक जो ऑफिसर है, सीआरओ है, मैं शॉर्टकट नाम लेता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा नाम हो जाएगा, तो सीआरओ का जो काम रहता है, सुबह 7 बजे उठना रहता है उसको। सुबह 7 बजे उठा, नहाया धोया, मतलब 6 बजे उठा, नहाया धोया, कंप्लीट होना है उसको, अपना बैग तैयार करना है, और सुबह 7 बजे उस ऑफिस के अंदर एंटर करना है। 7 बजे ऑफिस के अंदर एंटर किया, वहाँ से आपको आपकी डिमांड शीट, जो कलेक्शन शीट होती है वो डिमांड में रहती है, मतलब एक सिस्टम कंप्यूटर के द्वारा प्रिंट निकाली जाती है जिसमें जिसकी किस्त की रिक्वायरमेंट रहती है डे वाइज, उसका उन सभी के नाम और उनके पैसा वगैरह कितना बाकी है सारी जानकारी रहती है, तो वो आपको डिमांड लेना है। और आपका मोबाइल के अंदर ऐप है, उन ऐप को एक्टिव करना है। आपके मोबाइल के अंदर जैसे ट्रू सेल है, फिंग पे है, और स्पोर्ट वे है, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिनको एक्टिव करना रहता है पर डे, और आपको जिंगे चार में आपकी अटेंडेंस लगानी रहती है। तो ये आपका मॉर्निंग का काम हो गया, ठीक है, ऑफिस के अंदर का। आपको आपके फील्ड से रिलेटेड आपका जो फाइल रहती है, डॉक्यूमेंट एक कॉपी रहती है, मिनट बुक जिसको बोला जाता है, जिसमें आप एंट्री वगैरह करते हो, कितना पैसा आया, कितना गया, कितने मेंबर आए, क्या है, तो वो सारी एक मिनट बुक रहती है। तो इन सभी को आपको एक बैग में रखना है आपके पास, जो कंपनी के द्वारा आपको दिया जाएगा, और उस बैग को भरकर आपको आपकी गाड़ी से निकल जाना है। आप फील्ड में जाओगे, फील्ड में क्या टाइम होता है, जाने का टाइम होता है सुबह 7 बजे से 7:30 बजे आपको ऑफिस छोड़ देना है किसी भी हालत में, ठीक है। और उसके बाद आपको ऑफिस में जाने के, ऑफिस से निकलने के बाद आपको फील्ड में जाना है। जिस साइड में आपकी फील्ड रहती है, गांव में, शहर में, जिधर भी, भले आपकी फील्ड
10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है या 30 किलोमीटर है, जो भी है वो आपके रूट के ऊपर मैप और जिस आपका जो ऑफिस में रहता है तो आपको पता चली जाएगा किधर क्या है, ठीक है। तो उस फील्ड में जाना है आपको, वहाँ पर आपको मेंबरों से मिलना है, उनसे कलेक्शन उठाना है। अभी लॉकडाउन के बाद तो ऐसी स्थिति है कि हर एक मेंबर के घर जाकर आपको पैसा लेके आना है, ठीक है। कहीं पर भी सेंटर नहीं बैठता है, बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पर सेंटर बैठते हैं, ग्रुप बैठते हैं। बाकी 100 में से मान लिया जाए 80% जो है आपको लोगों के घर जाकर, हर मेंबर के घर जाकर वहाँ से किस्त लेकर आना है, ठीक है। और किस्त सारा पैसा इकट्ठा होने के बाद आपको किसी मेंबर को लोन की रिक्वायरमेंट है तो उनके डॉक्यूमेंट भी साथ में लेना है। किसी के मान लो लोन पूरा होने वाला है या फिर कोई नया लोन लेना चाहता है तो उनके डॉक्यूमेंट लेकर आपको आपके बैग में इकट्ठे करना है। सारा पैसा आपको आपके बैग में, जेब में, जैसे भी आप रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका फील्ड का जो टाइम रहता है, एक दिन में 4 से 5 सेंटर रहते हैं, 6 सेंटर रहते हैं, ठीक है। वो आपके ऑफिस के हिसाब से, जितनी आपके ऑफिस का स्टाफ है और आपके कस्टमर है ऑफिस के, उसके हिसाब से आपके पास कस्टमर रहेंगे और आपकी फील्ड का सेंटर रहेगा कि आज का इतना सेंटर है। 15 दिन तक लगातार सेंटर चलते हैं, हर 15 दिन में वापस से वही सेंटर आ जाते हैं। तो जो भी है तो आपको वहाँ से आपका कलेक्शन उठाना है। उसके बाद जहाँ पर भी आपके नज़दीकी डिपॉजिट का पॉइंट रहता है, उस पॉइंट पर जाकर आपको आपका सारा पैसा डिपॉजिट करवाना है। वहाँ से आपको एक स्लिप मिलती है, उस स्लिप को आपको अवेना है और उस स्लिप को लेकर आपको आपके ऑफिस जाना है। वहाँ पर एक BCM नाम की पोस्ट वाला एक स्टाफ रहता है, जिसको BCM बोला जाता है, ब्रांच क्रेडिट मैनेजर, और BM से नीचे लेवल का होता है, ठीक है। तो उसको जाकर आपको स्लिप देना है। उसके बाद आपका जो नया मेंबर का डॉक्यूमेंट वगैरह आया है या फिर पुराने मेंबर से डॉक्यूमेंट आपने लिया है तो उनको आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में उनको डाटा एंट्री वगैरह सबमिट वगैरह करना है और उनकी जीरोक्स को ऑफिस में सबमिट करके आपको BM को देना है। BM से फिर ब्रांच क्रेडिट मैनेजर के पास जाएगी, BCM के पास जाएगी, उसके बाद उसका लोन होगा। और इसके बाद आपको आपका खाना खाने का काम करना है, घंटा आधा घंटा आपका खाने का काम हो जाएगा। जब आपने खाना खा लिया, बैठ गए आपका, उसके बाद आपके ऑफिस की डाटा एंट्री वगैरह, मेंबरों की डाटा एंट्री वगैरह करनी है। सारी नया सेंटर बनाया है तो नए सेंटर की डाटा एंट्री करना है। ये होने के बाद आपके पास लगभग 4 बज जाती है, 4 बजे आपको फिर से आपके फील्ड में निकलना है। जिन मेंबरों ने आपको पैसा नहीं दिया है उन मेंबरों से आपको वापस से कलेक्शन करना है। आप कितनी बजे आए उससे कोई लेना देना नहीं, मतलब आप सुबह 7 बजे फील्ड में गए हैं, आप 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, 2 बजे आओ, 2:30 बजे आओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जब भी आपके ऑफिस में आए, आपने खाना खाया, आपका ऑफिस का काम निपटाया, वापस शाम को आपको 5 बजे 4 बजे जब भी आपको टाइम सेट होता है 4 या 5 बजे, लेकिन आपको शाम को भी फील्ड में निकल जाना है वापस। जिन लोगों ने आपको पैसा नहीं दिया है या फिर जिन लोगों ने आपको शाम को देने की बोला है तो उनके पास आपको जाना है और उनसे कलेक्शन करके पैसा लेके ऑफिस में आना है। आप शाम को 7 बजे आइए, 6 बजे आइए, 8 बजे आइए। हमारे यहाँ पे तो बंदे 8 बजे तक भी आते हैं, 7:30 बजे तक भी आते हैं, ठीक है। उनके बाद वो पैसा फिर वापस से, जो शाम को पैसा आता है वो वापस से डिपॉजिट होगा। उसके बाद उसकी डिपॉजिट स्लिप बनेगी, उसकी डिपॉजिट स्लिप को ब्रांच के अंदर BCM को दिया जाएगा और फिर ऐसा करके उसके बाद फिर BCM का काम रहता है। उसका BCM का काम मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो BCM को देना रहता है और जब शाम को पैसा वापस दे दिया BCM को, और अपना अगले दिन की तैयारी करना है, ठीक है। अगले दिन की तैयारी, किसको लोन देना है या फिर किसका कलेक्शन है, पिछली बार किसका कलेक्शन छूटा है, उसकी तैयारी शाम को ही करना है। आपका बैग रेडी अगर हो सके तो आपको शाम को ही कर लेना है, तो ताकि आपको सुबह परेशानी का सामना ना करना पड़े। नहीं तो फिर सुबह उठना है, 6 बजे उठना है, फिर तैयार होना है जल्दी जल्दी में। आधी चीज़ें रह जाती है, कभी बैग मतलब पेन रह गया, कभी मिनट बुक रह गया, कभी कुछ रह गया, कभी कुछ, तो ऐसा चलता रहता है, ठीक है। तो आपका जो रोटेशन चलता है, 15 दिन का कलेक्शन है, 15 दिन तक लगातार यही चलता है। और कंपनी के जो रूल्स के हिसाब से, RBI की गाइडलाइन के हिसाब से, और इनके अंदर जो कंपनी के जो रूल्स हैं, संडे और मतलब सैटरडे और संडे की छुट्टी रहती है, ठीक है। लेकिन कंपनी महीने में 1-2 सैटरडे और हर संडे की कंपनी के द्वारा छुट्टी रहती है। आगे की गाइडलाइन के हिसाब से छुट्टी रहती है, लेकिन आपके जो ऑफिसर मतलब BM वगैरह रहते हैं, आपके एरिया मैनेजर वगैरह रहते हैं, आपके जो भी हेड रहते हैं आपके ऑफिस में, तो उन्होंने अगर आपको बोल दिया कि आपको सैटरडे को भी वर्क करना है, भले आपको उस दिन छुट्टी है कंपनी की, लेकिन आपको बोल दिया है कि भैया आज वर्क करना है, आज आपको कलेक्शन करना है, तो आपको उस दिन कलेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। और आपको आपका ऑफिस में जो भी काम बताया जाता है वो काम करना रहता है, आपको फील्ड भेजा जाता है तो फील्ड में जाना रहता है, क्योंकि अगर एरिया मैनेजर ने बोल दिया, BM ने बोल दिया, मतलब आपको करना ही है, नहीं करोगे तो आपके कहीं ना कहीं भविष्य में वो दिक्कत पैदा करेंगे, मतलब एक तरह से माइंडली उनके द्वारा प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको आपके हिसाब से समझना है, आप क्या समझते हो। अगर आपको कोई भी चीज़ बुरी या सही लगती है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं आपको कुछ गलत राय दे रहा हूँ या सही राय दे रहा हूँ। और ट्रेनिंग के टाइम पर, इंटरव्यू के टाइम पर आपको कैसे सुविधाएँ दी जाती है, उसके बाद की क्या सुविधाएँ रहती है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो इस टाइप से एक रिलेशनशिप ऑफिसर CRO का काम रहता है। तो आपको अगर जो मैंने बताया है इस हिसाब से अगर आपको CRO के लिए ज्वाइनिंग करना है, रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए ऑफिस में ज्वाइन करना है फिर संस्था में, तो आप आपके नज़दीकी कहीं भी ऑफिस में जाकर अपना रिज्यूम दीजिए और रिज्यूम दी वहाँ पर आपका इंटरव्यू वगैरह ले लिया जाएगा, आपको बुला लिया जाएगा जॉब के लिए, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं।
अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।